नमस्ते, वंदे मातरम। रिवोल्यूशन एनओ चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं जीडी गोयनका स्कूल स्थित स्विमिंग पूल में, और इस स्विमिंग पूल पर जो कोच है, जिनकी बदौलत जो बच्चे स्विमिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, श्रीमान सीताराम जी, आप कोच हैं, स्विमिंग कोच हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नमस्कार। सीताराम जी ने NIS किया हुआ है और सीताराम जी से ही जानते हैं सर, ये किस प्रकार से स्विमिंग पूल चल रहा है और क्या इसकी टाइमिंग रहती है, ओपनिंग और किस प्रकार से चल रहा है? इस स्विमिंग पूल को चलाते हुए मेरे को हो गए करीब 5 साल हो गए। इसकी सुबह 6 से 8 है टाइमिंग, शाम को 4 से 7। छुट्टी वाला दिन सैटरडे और संडे को फुल डे ओपन जी। और जैसे छुट्टियों में होता है सुबह 6 से 10 जी, शाम को 4 से 8 जी। कोच साहब, आपने बताया तो पूरे हफ्ते के दौरान कोई एक दिन ऐसा डिसाइड है कि उस दिन फुल डे ऑफ हो रहता हो? फुल डे थर्सडे। कोच साहब, जैसे बच्चों का अब गर्मी की छुट्टियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है और धीरे धीरे अभी स्विमिंग पूल खुलना स्टार्ट हो रहा है, तो किस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स रहता है और आपके सिखाए हुए बच्चे कहाँ कहाँ किस किस लेवल तक पहुंचे हैं? छुट्टियों में सबसे ज्यादा बच्चे अपने इस पे आते हैं जी, स्विमिंग पूल पे सबसे ज्यादा पेरेंट्स भी सही सहयोग करते हैं पूरा जी जी। छुट्टियों में जैसे हम थोड़ा कंसेशन भी कर देते हैं, फैमिली पैक वगैरह और कुछ जी जी वो कर देते हैं, ऐड कर देते हैं जी। छुट्टियों में भी ये लगा लो पूरा ही चलाते हैं जी। छुट्टियों में तो बच्चे जैसे अभी जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो स्कूल वाले लेके जाते हैं ना उनको जी जी, वो फिर बताते हैं हमको लेके गए स्टेट खेल, कई बच्चे स्टेट वगैरह भी खेल गए। सर सीताराम जी, मैं जैसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप रामराय की उस धरती से हैं जिसके रामराय भद्र तीर्थ जो है उसको एक वरदान मिला है, उस तीर्थ में जो बच्चा डुबकी लगा लेता है वो कुछ ना कुछ उस तैराकी के क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक मुकाम हासिल करता है, तो ऐसे ही आपके सिखाए हुए बच्चे कहाँ कहाँ किस किस लेवल तक पहुंचे हैं उसके बारे में बताएं। कई बच्चे तो लग भी गए जी आर्मी वगैरह में, स्पोर्ट्स में, जैसे अब अंबाला में 6-7 बच्चे मेरे सिखाए हुए। वाह जी, एक स्टेट की तरफ से जो एकेडमी है उस एकेडमी में आपके सिखाए हुए बच्चे वहाँ अवेलेबल है जी जी। ठीक है, और जैसे 2-3 बच्चे अब जॉब भी करते हैं अच्छे बट जैसे उसमें एक मधुसूदन है मेरे चाचा, ये लड़का है जी जी, वो मेरे सिखाया हुआ वहाँ पे है अंबाला। अंबाला अंबाला सर ऑल वेदर स्टेडियम में स्विमिंग तैयार हो चुका है और निश्चित तौर पर बच्चों का उज्जवल भविष्य है। जब इस प्रकार की जो प्योर शुरुआत इनिशियल स्टेज पे तो आप लोग तैयार करते हैं, बाद में नर्सरी सरकारी नर्सरी में जाके वे बच्चे इंटरनेशनल लेवल के रूल्स के हिसाब से जब तैयारियां करते हैं निश्चित तौर पर एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाते हैं। सीताराम जी, आपकी स्विमिंग पूल की खास बात विशेष बात क्या है? मतलब खास बात ये है जैसे ड्रिंक वाले अलाउड नहीं करते हम जी जी, और कोई हमारा गर्दी वाला कोई गाड़ी गलोच वाला वो अलाउड नहीं करते। इसमें थोड़ा फैमिली टाइप के मेंबर आते हैं, जैसे फैमिली वाले जैसे बिहेव करते ना घर पे वैसे ही बिहेव करते, जैसे कोई गंदा बच्चा देखा है कोई गलत बिहेव कर रहा है तो उसको बाहर निकाल देते। चलिए सर, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में आप डालिए, स्विमिंग दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, स्विमिंग करते रहिए, बच्चों को क्रिएटिव माइंड तैयार कीजिए, उनको किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में फिजिकल एक्टिविटी में आप डालिए ताकि बच्चे अपने आप को डेवलप कर पाए और वो अपने जो दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो आत्मबल स्वस्थ होगा। तो देखते रहिए रिवोल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।